नमस्कार, मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूँ सिंस 2013। एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक रिगार्डिंग हाउ टू रिमूव द नॉन परफॉर्मिंग पेजेज इन द वेबसाइट। आपकी वेबसाइट में अगर काफ़ी आउटडेटेड कंटेंट हैं जो कि लगातार परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस कंटेंट को वेबसाइट में बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई रैंकिंग को अफेक्ट किए, बिना कोई ट्रैफिक को अफेक्ट किए, उसको कैसे क्लीन अप करें, कैसे ऑडिट करें और उस कंटेंट को कैसे क्लीन करें अपनी वेबसाइट से, उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी आपको यूज करना चाहिए, किस तरह से आपको काफ़ी सेफ जोन में होकर के काम करना चाहिए अपने वेबसाइट के लिए, उसके बारे में मैं कुछ आपको गाइड करने वाला हूँ। मैं आपको इवन की प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च कंसोल में जाकर के देखने की ज़रूरत होती है कि आपका जो कंटेंट है उसमें के कौन से यूआरएल हैं जो कि लगातार काफ़ी समय से कोई ट्रैफिक गेन नहीं कर रहे। खास करके मैं आपको चीज़ बताऊँगा कि दो तरह के कॉन्टेंट होते हैं। एक तो होते हैं जो कुछ ही टाइम स्पैम के लिए होते हैं, लाइक अगर कुछ अपडेट्स के बारे में आप बता रहे हैं, कुछ नए इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, तो वहाँ पे वो कुछ ही समय के लिए एलिजिबल कंटेंट होता है, बाकी के समय में वो रैंकिंग होने के बावजूद भी कोई मतलब ट्रैफिक कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता आपकी वेबसाइट के लिए। तो आपको ये देखना है कि जो फॉरएवर वाले कंटेंट हैं, जिसको हम लोग सदाबहार कंटेंट कहते हैं, जो लगातार सर्च में आते हैं और जिसकी नीड लोगों को हमेशा होती है, सालों भर होती है, लोग चाहते हैं कि उस तरह के कंटेंट को सर्च करें और उसको पढ़ें, तो उस तरह के कंटेंट तो आपके मतलब 12 महीने परफॉर्म करते हैं, अच्छा ट्रैफिक ला करके देता है आपकी वेबसाइट को। लेकिन जो सिर्फ सीजन बेस्ड होते हैं, जो एक शॉर्ट टाइम स्पैम के लिए होते हैं, वो कंटेंट कुछ समय के लिए आपकी वेबसाइट में ह्यूज ट्रैफिक तो लाता है लेकिन फिर बाद में उसके पास कोई ट्रैफिक नहीं आता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उस तरह के कंटेंट जो पिछले साल के हैं और एक लिमिटेड टाइम स्पैन के थे, उस तरह के कंटेंट को हमें ऑडिट करना चाहिए और उसी को डिलीट करना चाहिए। डिलीट करने से पहले आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि उसका जो इंगेजमेंट है वो कितना है, उस पर्टिकुलर पेज का ट्रैफिक कितना है लास्ट के 90 डेज के अंदर या फिर 1 ईयर के अंदर या फिर लास्ट 1 मंथ में कितना ट्रैफिक वो वेब पेज ला करके दिया है आपको। उसके अलावा कि वो इंटरनली कहाँ कहाँ से लिंक्ड है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप पेज को तो डिलीट कर देंगे, कंटेंट को जाकर के आप डिलीट कर देंगे, लेकिन वो इंटरनली अफेक्ट करता है क्योंकि वो कनेक्टेड होता है मल्टीपल पेजेस से। तो आपको ये भी चेक करना है, जाकर के अपने सर्च कंसोल में ही आप चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ए पेज कहाँ कहाँ से लिंकअप किया गया है। आप उस लिंक को हटाइए या फिर रीडायरेक्शन लगाइए। अगर आप डायरेक्टली उसको रिमूव कर देते हैं तो आपको रीडायरेक्शन भी लगाने की जरूरत होती है जो पेज आपने डिलीट किया हुआ है, सो डैट कि अगर कहीं पे उसका लिंक लगा हो तो उसके जगह पे या तो 404 पेज दिखाए या वो कहीं पे रिडायरेक्ट कर दे दूसरे पेज में जाकर के। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो आपके इंटरनली SEO को अफेक्ट करता है, रैंकिंग वगैरह को भी अफेक्ट करेगा, ट्रैफिक को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि एक तरीके से वो आपका एक ब्रोकन लिंक बन जाता है। अगर उसका कोई डेस्टिनेशन ही अवेलेबल नहीं है तो वो एक ब्रोकन लिंक बन जाता है, ठीक है। और ब्रोकन लिंक आपकी वेबसाइट के लिए हमेशा मतलब हार्मफुल होता है। तो आपको चाहिए कि ये सारी चीज़ों को चेक कर लें, उसके बाद ऑडिट करें, ऑडिट करने के बाद क्लीनअप करें अपनी वेबसाइट का। जब आप क्लीनअप कर देते हैं तो आपकी वेबसाइट भी अप टू डेट रहती है। तो आप देखते हैं कि ऑडिट करने के बाद और क्लीनिंग करने के बाद आपकी वेबसाइट का जो रैंकिंग है वो भी बूस्टअप हो जाता है, वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो भी अच्छा इम्प्रूव हो जाता है। तो समय समय पर, हर 2 महीने पर, 3 महीने पर आपको ये ऑडिट और क्लीनिंग का काम करना चाहिए और इसको करने से आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस जो है वो सर्च इंजन में काफ़ी इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।